शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन के वाणिज्य विभाग द्वारा कैरियर अपॉर्चुनिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विषय पर आयोजित वेबिनार की प्रमुख वक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीमती रजनी मित्तल, संस्था के प्राचार्य डॉक्टर HL अनिजवाल सर एवं भागीदारी कर रहे सभी शालिनी श्रुतिजनों मैम, का। शालिनी मैम, जी सर, YouTube अभी चालू होना। हाँ, YouTube चालू हो गया क्या? हाँ जी, वहाँ तो रुको, अभी रुकिए हाँ सर, आप। सभी को नमस्कार। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन के वाणिज्य विभाग द्वारा कैरियर शालिनी मैम, अपॉर्चुनिटी। शालिनी मैडम कंफर्म कर लीजिए, जी सर, यूट्यूब पे नहीं आ रहा। यार वेटिंग फॉर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, वेटिंग आ रहा है। दो 3 मिनट रुकिए मैडम। शालिनी मैम, हाँ, तो नहीं आ रहा ये एग्जाम्पल बता रहा है, एग्जाम्पल सर, लाइव लाइव चाहिए आपको। लाइफ आने लगा सर, यूट्यूब में लाइफ आ रहा सर। कंटिन्यू चलिए कंटिन्यू कीजिए मैडम, शुरुआत सर। सभी को नमस्कार। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन के वाणिज्य विभाग द्वारा कैरियर अपॉर्चुनिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विषय पर आयोजित वेबिनार की प्रमुख वक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीमती रजनी मित्तल, संस्था के प्राचार्य डॉक्टर HL अनिजवाल सर एवं भागीदारी कर रहे सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेखा परीक्षा, कराधान, वित्तीय और सामान्य प्रबंध सहित व्यापार और वित्त के सभी क्षेत्रों में काम करते हैं। लेखांकन प्रमाप को अपनाते हुए वित्तीय साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग द्वारा किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है कि अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि वर्तमान परिदृश्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल्स की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। वाणिज्य विभाग के समन्वयक डॉक्टर निखिल जोशी सर छात्राओं के हित में रोजगार मूलक एवं मार्गदर्शक कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करवाते रहे हैं। इसी क्रम में फरवरी 2021 में 30 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स ऑन GST के सफल आयोजन के पश्चात अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में रोजगार की संभावनाओं से छात्राओं को अवगत करवाने के लिए इस वेबिनार की रूपरेखा तैयार की एवं उसे साकार रूप प्रदान किया। आज के इस कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीमती रजनी मित्तल के शाब्दिक स्वागत एवं विषय प्रवर्तन हेतु आमंत्रित कर रही हूँ विभाग के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर निखिल जोशी सर को। ओवर टू निखिल जोशी सर। जी, एक मिनट। थैंक
थैंक यू डॉक्टर शालिनी विजयवर्गीय मैम। गुड मॉर्निंग ऑल, सभी को नमस्ते। आज के इस खुशनुमा दिन में इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित नेशनल वेबिनार करियर अपॉर्चुनिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट में पधारे सभी लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज दशहरा मैदान उज्जैन। इज प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन टू गर्ल्स सिंस 1958। इस कॉलेज को सन 2004 और सन 2016 में नेक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुई है। इट इज अ मल्टी फैकल्टी कॉलेज विथ आर्ट्स कॉमर्स साइंस एंड होम साइंस फैकल्टीज। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज दशहरा मैदान उज्जैन। इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट। एट द ग्रेजुएशन लेवल वी आर रनिंग बीकॉम in three groups, that is economics group, tax procedure and practice group, and computer application group. At the post graduation level, we are running MCOM classes. This webinar is organizing by post graduate department of commerce and IQSC of Government Girls PG College Ujjain. Corona काल और उसके बाद के समय में हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिले। कुछ परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने स्थायी रूप ले लिया। बदलते समय के साथ वर्तमान समय की जरूरतों को देखते हुए कि किस प्रकार हम स्वयं रोजगार प्राप्त करें और बेहतर हो कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि हम कुछ लोगों को रोजगार दे भी सकें। छात्राओं, विशेषकर जो कॉमर्स की स्टूडेंट्स होती हैं, उनका एक सपना होता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो गरिमा है, उसका जो कार्य है, उसकी जो अर्थव्यवस्था में भूमिका है, ये सब बातें किसी भी छात्रा को प्रेरित करती है, लालायित करती है कि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके न केवल स्वयं अपनी स्थिति को मजबूत करें बल्कि समाज में और अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दशहरा मैदान उज्जैन का वाणिज्य विभाग समय समय पर छात्राओं के हित में विभिन्न कार्यक्रम निरंतर रूप से करता आ रहा है। जैसा कि अभी शालिनी मैम ने बताया कि किस तरह से हमने अभी पिछले बार 30 दिवसीय ऑफलाइन जीएसटी के ऊपर एक कार्यक्रम किया जिससे हमारी छात्राएं बहुत लाभान्वित हुई। इसी कड़ी में आज का ये हमारा नेशनल वेबिनार है। मुझे उम्मीद है कि यह वेबिनार भी हमारी छात्राओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या स्टेप्स हैं, आगे उसकी क्या भूमिका है, इन सब पर तो विस्तार से रजनी मित्तल मैम प्रकाश डालेंगी ही, और मैं शॉर्ट में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो पेशा है, जो फील्ड है, वो बहुत आकर्षक है। कई स्टूडेंट्स को वो लालायित करता है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन साथ ही मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी पर्सनालिटी देखें, उसका क्या व्यक्तित्व है, उसका क्या रुझान है, उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या रुचि है, इन्हीं सब बातों को देख करके वे तय करें कि उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और यदि इसने तय किया कि आगे बढ़ना है तो फिर उसे पूरी गंभीरता के साथ प्रयास करने चाहिए। इसके लिए प्रॉपर स्टडी और गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है। ये इतना आसान भी नहीं है कि आपने चलते चलते बड़े हल्के तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन जाए, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए यदि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए प्रॉपर स्टडी और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है।
उसका भी फिर आप ध्यान रखें। सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल और बुक्स, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। यदि आप सही तरीके से अपने स्टडी मटेरियल को चुनते हैं, क्योंकि ये समुद्र है और इसमें से यदि आपने गलत चीजों का चुनाव कर लिया तो आपसे मेहनत ज्यादा करवा लेंगे और रिजल्ट कम देंगे। तो सही स्टडी मटेरियल आप चुने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो भी आपने पढ़ा सीखा उसको आप लगातार अभ्यास करें, तब आप उस विषय में पारंगत होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है सीए बनने के रास्ते में जो महत्वपूर्ण है, वो है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा पढ़ने का रहता है, उसको कम समय में किस तरह से मैनेज किया जाए, कितने घंटे आप पढ़ाई करेंगे, आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, तो कब आप ब्रेक लेंगे, पूरी की पूरी एक प्लानिंग होती है। जो कुछ भी मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बातचीत हुई या जिनके साथ मेरा थोड़ा संबंध है, उनसे मैंने ये जाना है कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये वेबिनार हम हमारी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये सारी बातें मुझे बोलने में आई कि वो इन चीजों का पूरा ध्यान रखें, ताकि वो सफलतापूर्वक इस यात्रा को पूरा कर सके जिसकी मंजिल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ 12th पास करके स्टूडेंट्स आते हैं, इसलिए इस वेबिनार में बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर और एमकॉम की फर्स्ट सेम और थर्ड सेम की स्टूडेंट्स शामिल हैं। सभी के लिए यह उपयोगी होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट दास पीजी कॉलेज उज्जैन के कॉमर्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना किसी भी कॉमर्स की स्टूडेंट के लिए जो 12th पास करके आती है, उसका एक सपना होता है कि उसे इस कॉलेज में एडमिशन मिले। और जितनी भी हमारी सीट्स होती हैं वो देखते ही देखते पूरी भर जाती हैं। ये इस बात का द्योतक है कि इस कॉलेज का कॉमर्स डिपार्टमेंट शहर में कितना लोकप्रिय है और उसकी कितनी साख है। कॉमर्स के एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए इस कॉलेज का कॉमर्स डिपार्टमेंट न केवल उज्जैन शहर की स्टूडेंट्स को मौके देता है, बल्कि आसपास की जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, उनके लिए भी यह मौके मुहैया कराता है। हमारे बीच में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में एक यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसेस रजनी मित्तल मैम हमारे बीच है। वो हमारे आज के वेबिनार की रिसोर्स पर्सन है। उनकी स्वयं की एक यात्रा रही है, किस प्रकार वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स को पार किया, किस तरह से उनके यात्रा में पड़ा हुआ है, कैसे उन्होंने सफलतापूर्वक इसको संपन्न किया, ये सारे स्टेप्स वो बताएंगी। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में किस तरह के मौके हमारे पास उपलब्ध होंगे, इस पर भी वो चर्चा करेंगी। इससे हमारे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको न केवल इसका नॉलेज मिलेगा बल्कि उन्हें मोटिवेशन भी मिलेगा। आई डॉक्टर निखिल जोशी ऑन द बिहाफ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन वेलकम द चेयरपर्सन ऑफ टुडेज वेबिनार डॉक्टर हेमंत गहलोत सर, प्रोफेसर एंड हेड इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज। आई वेलकम रिसोर्स पर्सन ऑफ द वेबिनार मिसेस रजनी मित्तल मैम, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम कोटा राजस्थान। आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस टुडे इन दिस वेबिनार। I heartily welcome to all in this important webinar, Career Opportunity as a Chartered Accountant.
कॉलेज की सभी गतिविधियों में वाणिज्य विभाग के फैकल्टी मेंबर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस वेबिनार के आयोजन में भी सभी ने अपना योगदान दिया है। डॉक्टर शालिनी विजयवर्गीय मैम, डॉक्टर अर्चना सिंह चौहान मैम, मिसेस सारिका भावसर मैम, मिसेस अर्पिता त्रिवेदी मैम, डॉक्टर अजय बख्तरिया सर, डॉक्टर श्रद्धा काबरा मैम और श्री अनिल सिंह पटेल सर, सभी लोगों के सहयोग से हम इस आयोजन को कर रहे हैं। अब सभी के स्वागत के साथ, आप सभी के स्वागत के साथ मैं अब अतिथि परिचय के लिए श्रीमती सारिका भावसर मैम को आमंत्रित करता हूं। ओवर टू मिसेस सारिका भावसर मैम। वेलकम मैम। सीए रजनी मित्तल मैम, हर एजुकेशन इज चार्टेड अकाउंटेंट बीकॉम एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑडिटर ऑफ आईसीएआई। हर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन आर प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, टीचर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, मोटिवेटर एंड लाइफ कोच, अपकमिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, पोएट एंड स्पीकर। She born and brought up in Kota, started teaching student at a very young age of 14 years. She pursued her CA with her teaching profession. In 2002, started teaching CA students. Presently she is holding various posts in various organizations. President of largest chapter of JCI India, named as JCI Kota Surbhi, CPE Chairperson of Kota Branch of ICAI, Life Member, Indian Society for Training and Development, Director, Kota Mahila Nagrik Sahkari Bank, Member, JDB College Development Committee, Member, Laghu Udyog Bharati Mahila Sangathan. She had been part of good governance program of government of Rajasthan. She is visiting faculty of commerce education in Modi Girls School, Lakshmangarh. She is visiting faculty and guide for commerce education in Mayo College, Ajmer. In her busy professional and personal life, she spared some time for development of commerce student and society. Some of her contribution are contributed over 1,000 training programs till date for various corporate, non-corporate and social organization, including nuclear thermal power plant Rajbhata, Bhatia and Company Kota, various government departments, SCM Training Center of Rajasthan Government, various government schools, DCM Shriram Limited, various bank and financial institutes. She is a regular faculty for orientation program on soft skill by Institute of Chartered Accountants of India. She is a regular faculty of SIP and EDP programs of Institute of Company Secretary of India. She motivated more than 5,000 former students to develop career in professional courses. She is a regular speaker in career counseling program of Institute of Chartered Accountants of India. She had been recognized and awarded on various occasions as chairperson of the Institute of Chartered Accountants of India, Kota branch in year 2020-21, vice chairperson of the Institute of Chartered Accountants of India, Kota branch in year 2019-20, recognized as best teacher by Institute of Cost and Management Accountant in 2018, awarded by Rajasthan Patrika as successful female educationist on Women's Day in 2007, awarded by Dainik Bhaskar as Woman Substance in 2018,
recognized by Education Department in 2007 for contribution in the field of education, recognized by ISTD as best teacher in 2014, recognized by Rotary Club for contribution as Chartered Accountants of India, awarded by Agrawal Samaj as one of the successful female entrepreneurs of the zone. Welcome, ma'am, in today's webinar. Over to Mittal, ma'am. Thank you, ma'am, for the wonderful interaction. So nice of you. Sir HLNH Wal, principal and patron of PG Girls College, Dr. Nikhil Joshi, sir, convener and head, Dr. Meeta Tapan, ma'am, and most importantly, Dr. Shalini Vijay, ma'am, thank you so much for this wonderful opportunity of interaction. Shayad ye mera saubhagya hai ki mujhe mauka mil raha hai Ujjain ke is girls college se rubaru hone ka, yahan ke students se baat karne ka. And I'm really very happy to hear ki aap log itna effort kar rahe hain बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो आगे जाके अपने करियर में सेटल हो. और जैसा कि थोड़ी देर पहले निखिल सर से मैंने सुना था कि उज्जैन और उज्जैन के आसपास के एरियाज के बच्चों का ये सपना होता है आफ्टर ट्वेल्थ कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिले, तो जहाँ लेक्चरर्स और मेंटर्स इतने केयर टेकिंग हो और इतने कंसर्न हो बच्चों के करियर के लिए, रियली वहाँ पे एडमिशन पाना वाकई में एक सपना ही है. सो थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी CA कोर्स के बारे में या CA के बारे में कि CA होता क्या है. तो मेरी लाइन सबसे पहले यहाँ से शुरू होगी कि मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आज हम बाहर पूछने जाएं तो मुझे लगता है 100 में से 95 पीपल विल से कि CA बहुत टफ है. 100 में से 95 से ज़्यादा ही लोग आपको ये बोलेंगे CA बहुत टफ है. लेकिन विश्वास कीजिए वो 95 लोग वो होंगे जिन्होंने शायद CA को जाना नहीं है, समझा नहीं है. और मेरे ख्याल से आसान डगर तो कोई भी नहीं है. अगर आज हम एक चाय की दुकान भी लगाएं तो पहले 2 साल 4 साल 3 साल तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि हमारा बिजनेस सेटल हो जाए. तो शायद कुछ ऐसा CA कोर्स भी है. मेहनत तो हर जगह है, तो इसमें भी है. लेकिन ये कहना मुझे उपयुक्त नहीं लगता कि CA बहुत कठिन है, बहुत कम लोगों का होता है. मैंने अपने 22 साल के करियर में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जिसने सिंसियरली CA ऑप्ट किया हो, सिंसियरली CA किया हो और वो CA ना बना हो. तो सबसे पहले तो मेरी बात शुरू हो, हम CA कोर्स के बारे में जाने. अगर आपके मन में कहीं ये धारणा है, इफ़ यू आर थिंकिंग एनी वेयर द CA इज टफेस्ट कोर्स, बहुत कम लोग CA बनते हैं, तो ये धारणा हटा दीजिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो लोग चाहते हैं कि CA करना है और सिंसियर है, डेडिकेटेड है, वो जरूर CA बनते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्या है? जब हम कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में, जैसे किसी ने साइंस मैथ्स लिया है तो उसकी टॉप मोस्ट डिग्री हमारे दिमाग में आती है इंजीनियरिंग. किसी ने बायो लिया है तो उसकी टॉप मोस्ट डिग्री हमारे दिमाग में आती है मेडिकल, डॉक्टर बनना. उसी तरीके से कॉमर्स की अगर कोई हम टॉप पोस्ट डिग्री और सबसे हाई प्रोफाइल डिग्री की बात करें तो दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी. चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक इंडिपेंडेंट कोर्स है जो ऑटोमेटेड इंस्टीट्यूट, आई मीन से ऑटोनोमस बॉडी, जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है. जैसे दुनिया में हर कंट्री का एक एपेक्स बैंक होता है, एक सेंट्रलाइज बैंक होता है जो उस देश के बैंकिंग नेटवर्क को मैनेज करता है, संभालता है, करेंसी को संभालता है, उसी तरीके से हर कंट्री की एक एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी भी होती है जो उस देश का अकाउंटिंग सिस्टम और टैक्सेशन को मैनेज करती है. उसी तरीके से इंडिया की एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है. CA कोर्स करने के लिए हम दो रूट अपना सकते हैं, या तो हम ट्वेल्थ के बाद CA करें या हम आफ्टर बीकॉम, आफ्टर ग्रेजुएशन CA करें. जो लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, आज हम उनकी बात करेंगे कि आफ्टर बीकॉम अगर CA करना हो तो कैसे हम CA कर सकते हैं. मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी ताकि मैं आपको CA कोर्स के बारे में बता सकूं.
मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम विजिबल है। थैंक यू मैम। तो जब हम बात करते हैं कॉमर्स तो मेरे ख्याल से कई बार बच्चा कोई भी स्टूडेंट जब सब्जेक्ट चूज करता है तो वो कॉमर्स क्यों लेता है? यू टू म्यूट प्लीज। थैंक यू। कोई भी बच्चा कॉमर्स क्यों लेता है, हम क्यों कॉमर्स चूज करते हैं? जब बच्चा टेंथ में होता है तो उसको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, आप साइंस ले सकते हो, साइंस में मैथ्स या बायो, आर्ट्स ले सकते हो और कॉमर्स ले सकते हो। तो जो एवरेज बच्चा होता है या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता, सोचता है मुझे मैथ्स तो लेनी नहीं है, मुझे बायो लेनी नहीं है, आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो कॉमर्स ले लेते हैं। कुछ लोग तो इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से साइंस मैथ्स में कॉमर्स लेते हैं, कुछ इसलिए कॉमर्स लेते हैं कि साइंस मैथ्स बायो हमसे होगा नहीं तो हम कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ इसलिए कॉमर्स लेते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कॉमर्स ले, और कुछ इसलिए कॉमर्स लेते हैं कि उन्होंने सीए प्रोफेशन के बारे में सुना होता है, जाना होता है और समझा होता है, इसलिए वो कॉमर्स लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात ये बता दूं आपको कि जो कॉमर्स है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए, अगर आज देश चल रहा है तो वो कॉमर्स की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी को चलने के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, और इन सब में मनी, मॉनेटरी रूल है। तो जो रोल हमारी बॉडी में ब्लड प्ले करता है, सोचिए मेरी एक फिंगर में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड आना बंद हो जाए तो ये फिंगर क्या होगी, डेड हो जाएगी। वही स्थिति जो ब्लड रोल प्ले कर रहा है मेरी बॉडी में, वही रोल कॉमर्स का है किसी भी इकोनॉमी में। एक मिनट के लिए सोचिए आपके एरिया में सारे बिजनेसेस वगैरह सब बंद हो जाए, हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कोविड टाइम में, तो क्या होगा, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, हम लोगों का सबके साथ मॉनेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ रोल प्ले करता है एक चार्टेड अकाउंटेंट, इकोनॉमी को बूस्ट करना। जैसे बायो लेके आप ह्यूमन बॉडी के डॉक्टर बनेंगे, उसी तरीके से आप कॉमर्स लेके सीए करकर आप इकोनॉमी के डॉक्टर बनेंगे। एक सीए हर एरिया में सर्व कर सकता है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ सीए कैन सर्व गवर्नमेंट by joining government job, by joining government department, government entities, academics में, as I am working in academics, आप academics में काम कर सकते हैं। एक CA जितना successfully business run कर सकता है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई कर सकता है। We must have heard about Kumar Mangalam Birla. He is a successful chartered accountant as well as a successful businessman. लीगल फील्ड में हम काम कर सकते हैं, एज ए सी ए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप सबने एडवोकेट के बारे में सुना होगा कि एक वकील होता है, उसका अपना ऑफिस होता है, वो क्लाइंट के केसेस लड़ता है, उसी तरीके से एक सी ए का भी अपना ऑफिस होता है। अ सी ए कैन प्रैक्टिस। अब केसेस कौन से होंगे, चोरी खून के केसेस नहीं होंगे, दोज केसेस विल बी ऑफ इनकम टैक्स, दोज केसेस विल बी ऑफ GST। और मैं समझती हूँ कि आप लोग तो बहुत नॉलेजफुल हैं, क्योंकि अभी अभी आपने GST का एक कोर्स कंप्लीट किया है, सर्टिफिकेट कोर्स, तो यू आर वेरी डिजर्विंग फॉर दिस कोर्स। हम इंटरनेशनली ग्लोबली भी काम कर सकते हैं, और पिछले कुछ समय में ये ट्रेंड देखा गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। हम कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर, हम कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं इंटरनल कंट्रोल को लेकर, बिजनेस इफेक्टिवली कैसे चलाएं। IT सेक्टर में भी आज सीए बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, कैसे हम आगे बात करेंगे। सिर्फ बताना यह है कि एक सीए सभी एवेन्यूज में सर्व कर सकता है, इकोनॉमी के सभी एरियाज में। अगर हम सीए कोर्स की बात करें तो जो सीए कोर्स है तीन अपॉर्चुनिटीज हमें देता है। क्या होता है, आज मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की है तो आप जॉब ही करेंगे, आप डॉक्टर हैं तो आप हॉस्पिटल ही संभालेंगे, लेकिन एक सीए कोर्स इतना डायनेमिक होता है, और गर्ल्स के लिए तो मैं इसे बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि जैसी फ्लेक्सिबिलिटी आप
की हो वैसे आप काम कर सकते हैं। एक सीए चाहे तो अपना ऑफिस खोल सकता है, एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ऑडिट करना, टैक्सेशन करना, आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं और आप चाहे तो इंटरनेशनली भी वर्क कर सकते हैं। सीए कोर्स में एंट्री लेने के लिए हमें क्या क्या रास्ते अपनाने हैं, पहले हम उसकी बात करें कि सीए कोर्स ज्वाइन कैसे होगा। जब हम सीए कोर्स की बात करते हैं, अगर आप आफ्टर बीकॉम सीए कर रहे हैं, दो स्कीम है। एक ट्वेल्थ के बाद सीए किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन स्कीम। तो अगर आपके कोई जूनियर भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो या जूनियर्स हो, तो आप उन्हें फाउंडेशन स्कीम सजेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री स्कीम, जो बीकॉम के बाद सीए किया जाता है। जब हम डायरेक्ट एंट्री की बात करते हैं, हियर इट इज रिटन डायरेक्ट एंट्री टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। जब आप डायरेक्टली आफ्टर बीकॉम सीए करना चाहते हैं, तो आपके पास कॉमर्स में 50% मार्क्स चाहिए। अगर कोई कॉमर्स के अलावा ग्रेजुएट है, कॉमर्स के अलावा किसी और फील्ड से है, बीएससी है, बीए है, तो उन्हें 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये डायरेक्ट एंट्री बीकॉम के लिए है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जब आप अपनी एंट्री लेते हैं बीकॉम में, अपना बीकॉम करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं सीए कोर्स में, उसी के साथ साथ आपको दो कोर्स करने होते हैं। एक कोर्स होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और एक कोर्स होता है यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता दूँ, एक कोर्स होता है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे ही आपका बीकॉम कंप्लीट होगा या थर्ड ईयर का आप एग्जाम देंगे, आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे सीए कोर्स में। सीए कोर्स में रजिस्टर कराने पर आपको दो कोर्सेस करने होंगे। पहला कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और दूसरा कोर्स है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का, जिसे हम आईटी और ओटी बोलते हैं। आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओटी इज ओरिएंटेशन। एक कोर्स 1 मंथ का है और दूसरा 15 डेज का है। ये दोनों कोर्स करने के बाद हमें आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी होगी। अब ये आर्टिकलशिप क्या होती है, जैसे ही आपका बीकॉम हुआ, आपने सीए के लिए रजिस्टर किया, दोनों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से ही होती है, सारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। आप ज्वाइन करेंगे किसी सीए के ऑफिस को, जैसे डॉक्टर डॉक्टर के अंडर में काम सीखता है, एडवोकेट एडवोकेट के अंडर में काम सीखता है, उसी तरीके से अ सीए स्टूडेंट लर्न्स वर्किंग अंडर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप किसी सीए ऑफिस को ज्वाइन करेंगे, उन सीए के अंडर में आप काम सीखेंगे और जब 9 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग को हो चुके होंगे, मान लीजिए मैंने January 1st सीए का ऑफिस ज्वाइन किया है, मेरी 9 मंथ्स की ट्रेनिंग पूरी होती है 30th September को, तो उसके बाद November में सीए के एग्जाम 2 बार होते हैं साल में, एक बार मई में और एक बार नवंबर में। आई एम रिपीटिंग अगेन, अभी तक आप लोग सालाना एग्जाम देते आए हैं, जो सीए के एग्जाम है वो साल में 2 बार होते हैं, एक बार मई में और एक बार नवंबर में। तो आपके जो 9 मंथ्स है वो पूरे हो रहे होते हैं, आपके जो 9 मंथ्स है वो पूरे होते हैं सितंबर में, तो आप नवंबर वाला एग्जाम सीए इंटरमीडिएट का दे सकते हैं, यानी आपको कोर्स करना है इंटरमीडिएट का, सीए इंटरमीडिएट। जब आप आर्टिकलशिप करते हैं तो आप एक 3 साल के आर्टिकलशिप का टोटल पीरियड होता है, इसी बीच में आपकी सीए इंटर का भी एग्जाम आता है। 9 मंथ्स पूरे होने पर सीए इंटर का एग्जाम आएगा और जब आपकी ट्रेनिंग का 2.5 ईयर पूरा हो जाएगा, 2.5 साल, तो सीए फाइनल का एग्जाम आएगा। तो अगर मैं देखूं तो 3 साल बीकॉम के और 3 साल सीए के। आप पैरेलली चाहे तो अपना एमकॉम भी कर सकते हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी होती है। तो बीकॉम के बाद आप अपना सीए करते रहेंगे और प्राइवेटली आप अपना एमकॉम करेंगे। ये जो 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, आर्टिकलशिप ऑफ 3 इयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सीए स्टूडेंट की लाइफ में। देखिए, मैं आपको एक बुक दे दूं, कार कैसे चलाएं, और मैं आपको बोलूं 6 महीने तक आपको ये बुक पढ़नी है, उससे ये श्योरिटी नहीं है कि आप एक सक्सेसफुल सीए बन जाएंगे या आप सक्सेसफुली कार चला पाएंगे। मैंने आपको एक किताब दी है, 6 महीने पढ़ो कार कैसे चलाएं, 6 महीने बाद कार चलानी है, श्योरिटी नहीं है। लेकिन मैंने आपको कार में बिठा दिया और मैंने बोला ये क्लच है, ये गियर है, ब्रेक है, ऐसे चलाना है, एक बार तो आपकी कार आगे चल जाएगी,
वो बाद की बात है आगे क्या होगा। तो सिमिलरली जो आप बुक्स में आपको पढ़ना है, जो आपको एग्जाम अपियर करना है, वो सब आप प्रैक्टिकली सीखते हैं एक सीए का ऑफिस ज्वाइन करने के बाद। तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत काम आती है, ऐसे भी काम आती है, एक मिनट के लिए मानिए आपका सीए इंटर क्लियर नहीं हो पाया, एक मिनट के लिए मानिए, वैसे तो 100% क्लियर होगा, 100% यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम, पर मान लीजिए 0.01% वी आर अनेबल टू क्लियर आर इंटर, वी आर अनेबल टू क्लियर आर फाइनल, तो भी यू विल गेट अ हैंडसम जॉब, अ वेरी गुड जॉब ऑन द बेसिस ऑफ योर 3 ईयर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। क्योंकि 3 साल में वो बच्चा जो सीखता है, वो स्टूडेंट जो सीखता है, दैट इज द कंप्लीट वर्क ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फर्क सिर्फ एक साइन का है, हम साइन नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री नहीं है, बाकी काम हमें पूरा आता है। तो कंपनीज आर रेडी टू टेक द स्टूडेंट्स, तो इसलिए आर्टिकलशिप ऑफ जो 3 ईयर्स की आर्टिकलशिप है, इट्स रिटन ऑन माई स्क्रीन, प्रैक्टिकल पूरा एक्सपोजर मिलता है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, आप बैंक्स में जाते हैं, आप पूरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, पूरी वर्किंग सीखते हैं, आप एक सिस्टम समझते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसी होती है, कि जब आप एक जॉब कर रहे हैं और उस पर काम भी सीख रहे हैं, आपको पैसा भी मिल रहा है, इट इज दैट कॉन्सेप्ट। आपके फ्यूचर करियर के लिए वो बहुत काम का है। क्या 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 इंपॉर्टेंस है उस आर्टिकलशिप की? इट इज़ यूजफुल फॉर फ्यूचर करियर, आपका प्रैक्टिकल पॉइंट डेवलप होता है, आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम देखते हैं जब पहले साल बच्चा आता है और जब 3 साल उसके पूरे होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी चेंज्ड होती है, क्योंकि वो इतने एंटरप्रेन्योर से मिला है, इतने बैंक्स में गया है, इतने डिपार्टमेंट्स में लाइजनिंग होती है, इतने कई बार इनकम टैक्स ऑफिसर से आप बात करते हैं, कमिश्नर से आप बात करते हैं, आप केसेस डील करते हैं अपने बॉस के साथ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट होता है। और जब आप आर्टिकलशिप करते हैं तो आपको टोकन मनी भी दी जाती है। ऐसी सिटीज और टाउन्स जहां पॉपुलेशन 20 लाख या उससे ज़्यादा है, फर्स्ट ईयर में 2000 रुपीज़, 3 साल की आर्टिकलशिप है, फर्स्ट ईयर में 2000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है, सेकेंड ईयर में 2500 एंड थर्ड ईयर में 3000। और जो सिटीज और टाउन्स 4 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन 20 लाख से कम है, वहाँ 1500, 2000 और 2500, जहाँ 4 लाख से कम पॉपुलेशन है वहाँ 1000, 1500 और 2000, यानी 20 लाख से ऊपर, 20 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होने पे ज़्यादा मिलेगा, 4 लाख से ऊपर है लेकिन 20 लाख से कम है, और तीसरी कैटेगरी लेस देन 4 लाख। तो ये एक एक्सपीरियंस है, हम बीकॉम करते ही जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ काम सीख रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, यू आर बिकमिंग मल्टी डायमेंशनल, यू आर बिकमिंग अ डायनेमिक पर्सनालिटी। तो अगर मैं बात करूँ सीए कोर्स की, तो जब आप सीए फाइनल अपना क्लियर कर लेते हैं तो यू आर रेडी टू गिव योर बेस्ट टू द सोसाइटी। लेकिन जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बीकॉम के बाद एमकॉम भी करूं, तो पहली बात, एक ही कोर्स आप अपनी ट्रेनिंग के साथ कर सकते हैं। कई बच्चे सोचते हैं मैम मैं एमकॉम भी कर लूं, कुछ और भी कर लूं, तो पॉइंट टू बी नोटेड, बीकॉम के बाद आप सीए करते हैं तो उसके साथ आप एक कोर्स और कर सकते हैं, चाहे वो एमकॉम करें चाहे वो सीएस करें, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी होती है एग्जाम देने के लिए। आजकल एक अच्छी बात यह है, कई बार बच्चे सोचते थे मैम कोचिंग कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, हम छोटे शहर में भी रहते हैं, तो एक अच्छा पॉइंट ये भी है, आजकल इंस्टीट्यूट खुद भी अपनी बहुत पूरा क्लाउड कैंपस है, पूरी क्लासेस भी ऑर्गेनाइज होती है, पूरा एक लर्निंग पोर्टल है सीए इंस्टीट्यूट का। तो आप जब अपने आप को सीए कोर्स में एनरोल करते हैं, आप इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे पढ़ाई कर सकते हैं, आपको पूरी क्लासेस वहाँ मिल जाएंगी। तो ऐसा बहुत, मेरी नज़र में बहुत इकोनॉमिकल कोर्स है और जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूँ एक एमबीए को और एक सीए को, तो एक एमबीए करने में मिनिमम 4.5 लाख से 5 लाख का खर्चा आता है, वहीं सीए पूरा करने में 2 से 2.5 लाख रुपये का खर्चा आता है, जिसमें आप अर्न भी कर रहे हो क्योंकि 3 साल में आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है। तो आपके पास इंस्टीट्यूट ये फैसिलिटी देता है कि आप लर्न एनीवेयर एंड लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं सीए कोर्स के बारे में। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टीचिंग होती है, पेपर कैसा आता है, सब कुछ टारगेट बेस्ड पढ़ाया जाता है,
और फर्स्ट स्टूडेंट क्लाउड कैंपस है अकाउंटिंग एजुकेशन में। अभी तक किसी इंस्टीट्यूट ने अपना पूरा क्लाउड कैंपस तैयार नहीं किया, लेकिन इंस्टीट्यूट का पूरा ई लर्निंग पोर्टल है जहां से आप सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की पढ़ाई कर सकते हैं। लर्निंग सिस्टम टू बी परस्यूड अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एंड आर्टिकल ट्रेनिंग, जैसा मैंने आपको बोला, ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पढ़ना भी है। सीए का स्टूडेंट इतना डायनेमिक हो जाता है कि उसके लिए स्काई इज द लिमिट। कई लोग हैं जो पूरा सीए नहीं बने और आज चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा अर्न कर रहे हैं। अगर मैं कोर्स और फीस की बात करूं तो जो लोग इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फाउंडेशन सबसे ऊपर लिखा हुआ है, मैं सेकेंड इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रही हूँ। जो लोग इंटर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं 18,000 का रजिस्ट्रेशन है। ओरिएंटेशन और आईटी कोर्स जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, उसका 22,000 टोटल आपका खर्चा होता है। और ये फाइनल का भी अगर जोड़ लें तो टोटल 77,000 का खर्चा लगभग एक बच्चा करता है। उसमें आप फाउंडेशन हटा दीजिए और एक बच्चा सीए की तैयारी कर लेता है। वहीं अगर आप बीकॉम के बाद एमबीए करने का सोचेंगे तो कॉलेजेस की फीस ही स्टार्ट होती है 1.5 लाख से, 1 लाख पर ईयर से। तो ये बहुत इकोनॉमिकल कोर्स है और वैल्यू वाइज सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। ये यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखी हुई है जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम में है। आपको रजिस्टर कराना है विद बोर्ड ऑफ स्टडीज फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। आपको 4 वीक्स का, जो मैंने अभी आपको बोला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल कोर्स पूरा करना है। 3 इयर्स की आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है। 9 मंथ्स के बाद आप इंटरमीडिएट एग्जाम अपियर करेंगे। इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एडवांस आईटी, जैसे इंटर के पहले आईटी और ओटी का ट्रेनिंग है, वैसे फाइनल के पहले भी होता है, तो वो आपको इंटर के बाद 2 ट्रेनिंग्स और करनी होती है। बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग्स होती है। आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, कई बार लोगों के मन में सवाल होता था, मैम मैं आधा सीए बना हुआ हूं, मेरी क्या वैल्यू है? तो आज के समय में इंस्टीट्यूट आपको एक और डिग्री देता है, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट BAA की। और बिलीव मी, बहुत डिमांड है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट यानी इंटरमीडिएट पास। और अगर मैं बात करूं एमिरेट्स में, सऊदी कंट्रीज में, तो देयर इज हाई डिमांड ऑफ BAA, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। आप कुछ बात करें कि अगर आप सीए कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपने एक बार सीए कंप्लीट कर लिया तो आप देखिए सीए का नेटवर्क कितना बड़ा है। ये सारी कंट्रीज में सीए इंस्टीट्यूट ऑपरेट करता है, बहरीन, बोट्सवाना, दोहा, दुबई, ये सब सारी कंट्रीज में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एक चार्टेड अकाउंटेंट सोसाइटी में काम कर सकता है, सोसाइटी में वेल रेप्यूटेड है। आज अगर हम बात करें तो सोसाइटी में एक आइडेंटिफाइड प्रोफेशनल, एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशनल है चार्टेड अकाउंटेंट। आप पॉलिटिक्स में काम कर सकते हैं, पीयूष गोयल जी हमारे मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, एवरीवन नोज हिम, हिज चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आप टेक्नोलॉजिकल फील्ड में काम कर सकते हैं, फुली हाईटेक प्रोफेशन है। आप इकोनॉमी में काम कर सकते हैं, सुरेश प्रभु जी की बात करें हम, लीडिंग इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन, इकोनॉमी हैंडलिंग फाइनेंस एंड रीशेपिंग इकोनॉमी। आप लीगल में, लीगल फील्ड में काम कर सकते हैं। लीगल फील्ड में तो काम करना हमारी एक्सपर्टीज है। आज अगर किसी को इनकम टैक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? अ चार्टेड अकाउंटेंट। सो वी हैव कंट्रोल ओवर सोसाइटी, वी हैव कंट्रोल ओवर पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, लीगल एस्पेक्ट। और सबसे बड़ी बात, चार्टेड अकाउंटेंसी इज अ कोर्स, इज अ प्रोफेशन, इज अ करिकुलम जहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप में काबिलियत है, आप आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है 50% वाला सीए बन गया और 75% वाला रह गया। It is not so. So we believe in equality, no discrimination on any basis, no caste, no creed, nothing. CA एक connecting pin है between public and government. आज सरकार को, सरकार तक, सरकार का सबसे बड़ा income का source क्या है, revenue source क्या है? Taxation. सरकार देश चला रही है tax की वजह से और वो हम pay करवा रहे हैं लोगों से सरकार तक। तो we are paying as playing a connecting role between government and the general public. इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं
जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, एक बार आप सीए कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छा सीए में सब्जेक्ट्स वही आते हैं जो आप बीकॉम में पढ़ते हैं, बस उनका लेवल एडवांस है। और सीए के एग्जाम कुछ ऐसे होते हैं, जब आप इंटरमीडिएट अपीयर करते हैं तो 8 पेपर होते हैं, लेकिन आपको 8 एक साथ क्लियर नहीं करने, हमने सेट बनाए हुए 4 पेपर एक साथ और 4 पेपर एक साथ, सो इट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, सो यू कैन क्लियर इट इन अ सेट ऑफ 4-4। सिमिलरली इन फाइनल ऑल्सो वी हैव 8 पेपर्स, पर आपको 4-4 के सेट में क्लियर करने, यानी 4 भी पास हो गए एक सेट के, तो यू विल बी हाफ क्लियर्ड। तो दिस इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 करके बोलते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं। तो कई लोग पूछते हैं ऑफिस में क्या होगा, ऑफिस में आप अपने क्लाइंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे, आप जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, आप अपने ऑफिस में ऑडिट करेंगे। ऑडिट क्या होती है, एक स्पेसिफाइड टर्नओवर के ऊपर जिन लोगों का प्रॉफिट होता है, सेल होती है, उन्हें सीए से अपने अकाउंट्स को वेरीफाई कराना जरूरी होता है, वो चेकिंग का काम हमारे ऑफिस में होता है। आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, कई सारे बिजनेसमैन बहुत परेशान रहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, अपने कॉम्पिटिटर्स की प्लानिंग को लेकर, अपने इनकम और एक्सपेंसेस को लेकर। आज भी ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट सोचता है मैं एक नई फैक्ट्री बनाऊं, आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश अ न्यू फैक्ट्री, तो सबसे पहले वो जाकर अपने सीए को पूछेगा कि सर मैं एक नई फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होगी और मैं कर लूँ इसको। So we are consultants also. हमसे अच्छा बेहतर गाइड कोई नहीं हो सकता। We can work in industry, government organization. देखिए जहां जहां पैसा है वहां वहां हिसाब है, और वहां वहां हिसाब पे नजर रखने की जरूरत है, और वो नजर रखने का काम करेंगे हम as a chartered accountant. तो you can join government organizations. अभी पिछला कुछ समय देखा जाए तो गवर्नमेंट जितनी पर्टिकुलर हुई है करप्शन को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, उतना हमारा प्रोफाइल बढ़ा है, क्योंकि पैसे को पे नजर रखना, पैसे का करप्शन रोकना, वो काम हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। एंड देयर आर मेनी सीईओस, सीएफओस, सीओस, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर फाइनेंस, ये सारी पोस्ट हमारे लिए खुली हुई है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि मैम क्या हम सीए बनके बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। एंड यू विल बी डायरेक्टली पोस्टेड एट द मैनेजर पोस्ट, यू विल बी मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो एज ए सीए खुला हुआ नहीं है, इवन अगर आपका सीए कंप्लीट नहीं होता तो भी ये सारे सेक्टर आपके लिए खुले हैं, क्योंकि आप 3 साल की ट्रेनिंग में, आर्टिकलशिप में इतना कुछ सीख लेते हैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को पता नहीं होता। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दैट वी हैव। एक छोटा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, हमारे सक्सेसफुल सीएस का वीडियो, लोग कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड है। Was never barrier in my life, and today I am a successful person.
सो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि कितने सक्सेसफुल हो गए, इनमें दो नाम और बहुत सारे नाम है, ये तो कुछ ही नाम है, दो नाम इन दिनों बहुत कॉमनली सुनने में आ रहे हैं, उनका मैं नाम लूँ, सुरेश प्रभु जी और पीयूष गोयल जी। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल होंगे पीयूष गोयल जी, सुरेश प्रभु जी डूइंग एक्सीलेंट वर्क, कुमार मंगलम बिरला, रियली एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी बोली, बी रेयर बी फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग कॉमर्स में कोई करियर प्लान करते हैं तो बिलीव मी CA is the best and right choice. CA एक ऐसा कोर्स है, मैं थोड़ा सा फीमेल ओरिएंटेड बात करती हूँ, मैं भी एक फीमेल हूँ, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट वेमेन। क्या होता है जब किसी फीमेल की शादी होती है या कोई फीमेल होती है, तो हमारा इंडियन कल्चर आज भी ऐसा है कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे बहुत कुछ हमारी मैरिज पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपने शादी के पहले बहुत कुछ किया हो, बहुत हाइट्स अचीव की हो, बहुत बहुत एक्सप्लोर किया हो, और वैसे भी आजकल तो कॉन्सेप्ट कॉमन है पापा की परी। सो पहले लड़कियों को रोका जाता था, लिमिट किया जाता था, पर आज के समय में गर्ल्स आर सेट फ्री, बट आफ्टर मैरिज यू डोंट नो व्हाट योर सर्कमस्टांसेस विल बी। सपोज कीजिए आप बहुत अच्छी फैमिली में गए जो ओपन माइंडेड, दे सेट यू फ्री कि आप जैसे चाहे काम कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, आप जॉब भी कर सकते हैं फुल टाइम, आप ऑफिस भी कर सकते हैं। एक मिनट के लिए मानिए कि आप ऐसी फैमिली में गए हैं जो बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, जहां वर्किंग तो अलाउड है लेकिन आपको सिर्फ 4 या 5 आवर्स बोले गए हैं वर्किंग के, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो आप सोचेंगे मैं कोई 4 या 5 आवर्स का वर्क देखूं? तो यू हैव अपॉर्चुनिटी, आप अपना ऑफिस खोल लें, उसके आवर्स फिक्स कर दें, आई एम अवेलेबल 12 to 5। आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट के यहाँ जॉब ज्वाइन कर सकते हैं टेम्प्ररी, 12 to 5 वी विल गो। आप किसी भी बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं पार्ट टाइम, आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी शादी ऐसी जगह होती है जहां आपको जॉब अलाउड नहीं है, तो आप अपना ऑफिस खोल लेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ एक CA प्रोफेशन देता है फीमेल को एज पर योर विश। मान लीजिए मुझे तो ना जॉब अलाउ किया गया, ना प्रैक्टिस अलाउ की गई, एंड आई हैव टू वर्क। अब मैं क्या करूं, ना मैं जॉब कर सकती हूं, ना मैं प्रैक्टिस कर सकती हूं, और मुझे लगता है कि यार मैंने CA की डिग्री ली है, मैं अपनी पढ़ाई को कैसे जाया कर सकती हूं? यू कैन बी टीचर, यू कैन टीच CA स्टूडेंट्स, एंड आप घर बैठ कर भी यू कैन अ पार्टनर इन अ CA फर्म, और आप साल का एक असाइनमेंट भी कर सकते हैं, आपने बैंक ऑडिट किया है, बैंक ऑडिट एक बहुत अच्छा रेम्यूनरेटिव ऑप्शन है, और आप कहीं पार्टनर बनते हैं तो आपको बिना कुछ किए दे विल पे यू द पार्टनरशिप प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से CA एक ऐसा प्रोफेशन है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इट इज ओनली द CA कोर्स इन विच यू विल गेट द अर्निंग। तो मेरा ऐसा मानना है CA इज द बेस्ट कोर्स स्पेशली फॉर द वुमेन, क्योंकि उनके पास सारी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर वो कुछ नहीं करेंगी तो भी CA is a degree which will give them earning. CA is the degree which will give them a return. So it is a best course for females. It's not only for female, it's for everyone. But females can prioritize. क्योंकि आज आप MBA करते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको जॉब ही करना पड़ेगा, आप अपना ऑफिस नहीं खोल सकते। अगर आप एडवोकेट बनते हो तो आप अपना ऑफिस खोलोगे, फिर जॉब का ऑप्शन इतना नहीं दिखता है। बट Being a CA, you have lot of opportunities available with yourself. आप motivate कर सकते हैं, मेरी तरह पढ़ा भी सकते हैं. So all the options are available. So that is all from my side about CA course, about opportunities in CA course. हाँ, जो मैंने video बताया था आपको, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे visually impaired लोग, physically challenged लोगों ने भी CA किया है, एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट। CA की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं 16 साल की मैं आज 60 ईयर्स की एज में हूँ और मैं कैसे CA करूँगी,
तो आप 60 इयर्स की एज में भी सीए कर सकते हैं। इसे एग्जांपल्स हैं, रजनी गोपाल जी का नाम आया था, आई एम ब्लेस्ड कि आई एम शेयरिंग नेम विद हर, उन्होंने 80 इयर्स की एज में अपना सीए कंप्लीट किया, सीए किया। तो ये जज्बा है, आप कभी भी कर सकते हैं। सो आई एम इन एजुकेटिंग फील्ड फ्रॉम पास्ट 22 इयर्स। In case you have any problem, any doubt, you want to do anything about CA course, you can anytime contact me. Thank you so much. Thank you so much, Shalini ma'am, Nikhil sir, principal sir, everyone. Thank you so much. Over to you. Be rare, be fair. Very nice, ma'am. Thank you so much, Rajni ma'am. One of the toughest mani jane wali चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा के विभिन्न चरणों तथा उनमें सफलता प्राप्त करने के उपायों से आपने हमें अवगत करवाया। सीए बनने के बाद रोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी आपके द्वारा प्रदान की गई और निश्चित ही कार्यक्रम से जुड़े सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आपके प्रभावी उद्बोधन से लाभान्वित हुए होंगे। आपने तो आश्वस्त किया ही है और मुझे भी पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम के अलावा भी इस विषय पर हमारी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आप हमेशा हमें उपलब्ध रहेंगी। और इसी आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे विद्यार्थियों के लिए खास तौर से इतनी उपयोगी जानकारी प्रदान की। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज रियली अ ग्रेट प्लेजर टू जॉइन विद यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अब मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं वरिष्ठ प्राध्यापक अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत गहलोत सर को कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। ओवर टू हेमंत गहलोत सर। जस्ट बिफोर आई वाज सपोज्ड टू एंटर आई एग्जिटेड एंड दैट वाज जस्ट व्हाट टेक्निकल ग्लिचेस कैन डू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट I must congratulate the Commerce Department and wholeheartedly thank the source person, Rajni Mittal ji. It was an information-packed speech, very beneficial and very crucial for the students of commerce. And जो बीच बीच में सुनने को मुझे मिला था कि इट्स नॉट जस्ट कॉमर्स बट एनी स्ट्रीम कैन जॉइन, लाइक यू टॉक्ड अबाउट बीए के लिए या बीएससी के लिए भी परसेंटेज का कुछ लिमिट है, दे कैन आल्सो जॉइन सीए। कॉमर्स ग्रेजुएट्स तो क्या ज्वाइन कर ही सकते हैं। और जो वाइड स्पेक्ट्रम आपने करियर का इसके साथ में कोरिलेट किया है वो वाकई तारीफ काबिल है। डेफिनेटली इट इज इनकरेजिंग आल्सो टू स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स। सो ऑल दोज हु जॉइन टुडे इंक्लूडिंग फैकल्टी मेंबर्स, इंक्लूडिंग रिसर्च स्कॉलर्स एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट लॉबी दैट वाज लिसनिंग टू द वेरी प्रैग्मेटिक स्पीच बाय मिसेस रजनी मित्तल मस्ट हैव बीन बेनिफिटेड। मुझे आखिरी का जो पोर्शन सुना तो लगा कि ठीक है 62 में मैं भी ट्राई कर सकता हूँ एक बार। इफ 80 इयर्स ओल्ड कैन जॉइन रजनी गोपाल एंड रजनी मित्तल, बोथ आर एक्चुअली इंस्पायरिंग नेम्स फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन फ्यूचर। अ वेरी लुक्रेटिव करियर, नो डाउट अबाउट इट। एंड one thing that you added about talking when you talked about women in a career, especially in this kind of career, so I think the whole pandemic era has already set the momentum that anyone can do anything from anywhere. Work from home ka jo culture develop hua hai, it is not just for IT people, as you said, it is also meant for the CAs, aspirants and CA professionals. So likely, as teachers also, we have also been going through the pandemic experimentation and have been doing our bit of contribution towards the field of education. So one way or the other, pandemic has taught us so many things. And मेरे ख्याल से वही duty थी human life की कि उसने अपने आप को जितने भी मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे
उसमें न सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि फ्लरिश किया. देयर वर प्रोफेशंस दैट वर्क्ड प्रीटी वेल ड्यूरिंग पेंडेमिक, ऑल्दो इकोनॉमी वाज बैडली हिट, बट येट देयर वर सर्टेन ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वेयर दे वर्क्ड विद प्रॉफिट आल्सो. So pandemic has taught us so many things, and anything that you do from home becomes your profession, whether it is CA, whether you are teaching, whether you are a consultant engineer. To some extent, medical practices also came up with electronic solutions, or you can say digital solutions. So I think even medical field mein bhi surgery ko chhod ke baaki sare kaam to aap इसके ऊपर कर ही सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव कम अप, और ये जो कोरिलेशनशिप पर नॉलेज एक्सचेंज का डेवलप हुआ है, सो दैट हैज दैट मस्ट हैव बीन वेरी फ्रूटफुल. टुडेज डिस्कशन वाज डेफिनेटली इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स. सो वंस अगेन थैंक यू मिसेस मित्तल, थैंक यू टू द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हेडेड बाय डॉक्टर निखिल जोशी. And congratulations to you and people competing the program. Unfortunately, I'm not much familiar with the names, but I suppose it was Dr. Shalini Vijayavargi and the other person. Don't remember the name. Sorry for that. I'm speaking to you on behalf of my principal, Dr. Nijwal, who is busy elsewhere for some more urgent work. So on behalf of the administration of the college, on behalf of all the faculty members and students of commerce, I extend my heartiest welcome and heartfelt thanks to Mrs. Mittal, and congratulations to the Department of Commerce. Thank you very much. It must have been beneficial for all of them. Thank you so much. Thank you so much, sir. और रजनी मित्तल मैम से मैं भी वाकई ये बात कहना चाहूंगी कि सर के साथ साथ मेरी भी इच्छा हो गई है कि मैं भी सीए कर ही लूं. और आपको मैं ये बता दूं कि हमारा कॉलेज सीए एग्जाम के लिए सेंटर भी है, तो मैं आपसे ऑनलाइन पढ़ के और यहीं पे परीक्षा देने का आप सोच रही हूं. बिल्कुल मैम, दे सकते हैं, यू विल सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स. थैंक यू. अब आभार प्रदर्शन, खुशी होगी कि मैं आपको आपके साथ अपनी क्लासेस शेयर करूं. हाँ, आपका समझाने का तरीका जो इतना बेहतर रहा, निश्चित रूप से वो कईयों के लिए आज प्रेरणा बनेगा. और अब कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है, और इसके समाप्ति के पूर्व में इस आयोजन की सफलता में जिन भी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती अर्पिता त्रिवेदी को आभार प्रदर्शन हेतु. धन्यवाद शर्ली मैम. किसी कार्यक्रम की अंतिम खड़ी होती है आभार प्रदर्शन. धन्यवाद शर्ली मैडम. किसी कार्यक्रम की अंतिम कड़ी होती है आभार प्रदर्शन करना. सर्वप्रथम मैं आज के इनवाइटेड रिसर्च पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट रजनी मित्तल मैडम का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में छात्राओं को ज्ञानवर्धक उद्बोधन दिया, जिससे छात्राओं में नई ऊर्जा का संचार किया. साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एच एन अनिजवाल सर का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में कार्य संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर हेमंत गहलोत सर का भी आभार प्रकट करती हूँ. साथ ही वाणिज्य विभाग के समन्वयक डॉक्टर निखिल जोशी सर का भी धन्यवाद प्रदान करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर छात्राओं के हित में इस कार्यक्रम को यह रूप प्रदान किया. इस अवसर पर मैं अपनी साथी डॉक्टर शालिनी विजयवर्गीय मैडम का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम की संचालन बखूबी निभाया. मैं डॉक्टर अर्चना मैडम, श्रीमती सारिका भावसर मैडम, डॉक्टर अजय बख्तर सर, डॉक्टर श्रद्धा काबरा मैडम एवं श्री अनिल पटेल सर का भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम किया जाना संभव नहीं था. साथ ही मैं IQSC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीता तपन मैडम का भी आभार व्यक्त करती हूँ. अगले क्रम में सभी प्रतिभागी
प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, रिसर्च स्कॉलर व सभी छात्राओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने वेबिनार में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाया। अंतिम चरण में तकनीकी सहयोग के लिए श्री अनिल पटेल सर का भी आभार व्यक्त करती हूँ तथा जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। सभी प्रतिभागी फीडबैक फॉर्म अवश्य भरे, लिंक प्रोवाइड की जा रही है आपको, चैट बॉक्स में देख लीजिए। इस प्रकार वेबिनार यही समाप्त होता है, सभी का धन्यवाद। फीडबैक लिंक आप देख लीजिए, फीडबैक लिंक प्रोवाइड की जा रही है आपको और सभी से बोलते हैं। Thank you.